हैशटैग जेई नीट पोस्टपोन से लेकर हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा, मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में स्टूडेंट्स ने जेई नीट एग्जाम पोस्टपोन को लेकर एक ऑनलाइन आंदोलन किया था, परंतु उस आंदोलन का कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार ने स्टूडेंट्स की एक ना सुनी, तो इसका सीधा प्रभाव अभी हाल ही में हुए 29 अगस्त को हमारे पीएम मोदी के शो मन की बात पर देखने को नजर आया। अगर आपको इस शो के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मन की बात शो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। इसके अंदर वह हर महीने 30 से 40 मिनट के अंदर अपने मन की बात लोगों से शेयर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 29 अगस्त वाले शो के इस वीडियो पर 8.5 लाख से ज्यादा डिसलाइक मिले हैं और वहीं यहां लाइक करने की संख्या सिर्फ 1.5 लाख के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो पे रिकॉर्ड तोड़ डिसलाइक मिले हैं। इन डिसलाइक को देख के हमें बड़ी हैरानी हुई, तो हमने इस वीडियो को भी देखा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी पढ़े। तो वहां जाकर हमें पता चला कि ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई नीट पोस्टपोन को लेकर आंदोलन किया था, परंतु सरकार ने उनकी एक ना सुनी। कमेंट्स पर कर हमें यह पता चला कि स्टूडेंट सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। जेई नीट स्टूडेंट्स की यूनिटी और गुस्से को देखकर अब एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स ने भी अपना ऑनलाइन आंदोलन स्टार्ट किया है। हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, हैशटैग स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि उन्होंने 2016-17 में एग्जाम की तैयारी करी और 2018 में उन्होंने एग्जाम दिया, बट उस एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि अगर सरकार जेई का एग्जाम करवा सकती है, नीट का एग्जाम करवा सकती है, तो हमारा जो 2018 का पेंडिंग रिजल्ट है वो क्यों नहीं निकाल सकती। इन स्टूडेंट्स को हैंडल करना अब सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो इसी टाइप के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल लर्न विद एनआईटीएन से बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।